इस तरह से विटामिन प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनाएंगे तो घर वाले भी मांग मांग के खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था जो किसी को मतलब खाने में अच्छा नहीं लगा था ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैं इसको किस तरह से लड्डू बना दूंगी वही मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपने ड्राई फ्रूट का पाउडर इस तरह से बनाया है और कोई उसे खा नहीं रहा है, क्योंकि सबको ड्राई फ्रूट का पाउडर कम और लड्डू खा आसानी से खा लेते हैं और खा के उसे कई लोग पानी पी के अपने काम पे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे पाउडर नहीं खा रहे थे। तो मैं इसको चल रही हूँ, इसको लड्डू मैं बना दूंगी जो। बट अगर आपके पास ड्राई फ्रूट पाउडर नहीं है तो आप सभी ड्राई फ्रूट लेके उसका इस तरह से आप पाउडर बना के रख सकती हैं। तो यहाँ पे इतना मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने किशमिश ली है, किशमिश इतना लेना है हमें। और यहाँ पे हमने गोंद लिया है। तो देखिए, इन सभी को हमें अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे हम थोड़े डेट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में आप ज़रूर बने रहें, इन्हें आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ हमने पाव जितना डेट ले लिया है। तो बस बाकी सब यहाँ ड्राई फ्रूट में सब है। तो अगर आपने ड्राई फ्रूट नहीं बनाया है तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट पाउडर बना लीजिए। और यहाँ पे इस तरह से चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने घी डाल दिया है, घी हो गया है गरम। अब ये जो गोंद है इसको हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गोंद है, देखिए तेल में डालते ही अच्छे से फूलने लगता है। तो हमने यहाँ पे फिर से घी डाल दिया है। तो अब हम किशमिश को भी भून लेंगे और साथ में डेट्स को भी हम भून लेंगे। इस वाले डेट में फ्रेंड बिल्कुल भी बीज नहीं है, इसीलिए हमने इस तरह से इसे डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से घी में भून लेंगे। यहाँ पे घी आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। तो इन्हें अच्छे से हम स्लो पे भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से भून चुका है। तो देखिए इस तरह से एक खुशबू आने लगी है, ये बढ़िया से अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून चुका है। तो बस इसी स्टेज में अब हमें इन्हें निकाल लेना है और सभी को अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो गया है ठंडा। तो इसे अब हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे खजूर में बीज नहीं था, इसके लिए हमने इसे तोड़ा नहीं। तो अगर आपके पास बीज वाला है तो तोड़ के ही डालें। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेते हैं। हम सभी को मिक्सर में डाल देंगे, मिक्सर के बर्तन में। फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने इस तरह से काजू को भूना है, बस इसी तरह से हमें अच्छे से भूनना है ताकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और वो मांग मांग के खाएं आपसे। तो इसी तरह अच्छे से आप तेल में मतलब घी में इसे अच्छे से भूनें। अच्छे से भूनने से क्या होगा, जिससे इसमें एक अलग सी खुशबू आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, तो बच्चे इसे मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसे अच्छे से पीस लिया है। तो अच्छे से इसे पीस लेना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही पीसेंगे ताकि अच्छे से पिसा जाए। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ड्राई फ्रूट था और जो हमने अच्छे से पीस लिया था, इन सभी को हमने देखिए किस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप किसी को भी एक बार इसे देंगे वो आपसे बार बार यही लड्डू मांगेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। अब जिस पैन में हमने सभी को भूना था उसी में हम ये सब डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स, ताकि जो पैन में जितना सारा घी है वो सब इसी में आ जाए, अच्छे से इसमें सूख ले। तो इस तरह से हमने सभी पाउडर को इसमें डाल दिया है।
अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें भी अच्छे से हम इस तरह से मिला लेते हैं। इसमें प्रोटीन से भरपूर ये आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, आपके बच्चे इसे बहुत ही मन से खाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो देखिए कितने अच्छे से बन जा रहा है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से लड्डू बनाएंगे, जो देखिए बहुत ही इजीली बन जा रहा है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये बन चुका है लड्डू। आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। आप किसी को भी एक बार देंगे वो आपसे यही लड्डू बार बार मांगेगा। खाने में इतना टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर है, तो इसीलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। ये बहुत ही इजीली बन जा रहा है। तो आप हो सके तो ज़्यादा घी में ही इसे भूनें। ज़्यादा घी रहेगा तो बहुत ही अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो देखिए किस तरह से ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से आप लड्डू बनाकर कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इन्हें हर रोज़ बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे के शरीर में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा। तो आप इन्हें एक साल के ऊपर के बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इस तरह अच्छे से भूनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी। तो एक बार इस तरह से आप लड्डू ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स और अपने बच्चों को दें। आप इस तरह लड्डू बना के रख लेंगी और आपके घर भी कोई मेहमान आएगा तो उसे भी आप पानी पीने के लिए भी दे सकती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने लड्डू कैसे बनाया। एक वीडियो में मैंने बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर बनाया था, वो वीडियो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। और वैसे भी फ्रेंड्स अपने बच्चों को जैसे ही 6 महीने पूरे होते हैं वैसे ही 7वें महीने से हमें थोड़ा थोड़ा उन्हें सब चीज़ देना चाहिए ताकि वो हर चीज़ का टेस्ट मिले उन्हें और बाद में खाने का नाटक भी ना करें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।